Hello children, how are you all? Today we will start our new chapter, that is division. If I am going to market and I am buying 4 pens each of rupees 10, so that how can I get to know that how much money I have to pay to shopkeeper? I will multiply 10 into 4. सो दैट आई कैन गेट नो, तो मुझे पता चलेगा कि मुझे शॉपकीपर को कितने रुपीज़ देने हैं, दैट इज़ 10 इंटू 4, तो क्या मिलेगा मुझे 40. एक पेन की प्राइस क्या थी 10 रुपीज़, एंड मैंने कितनी पेन खरीदी 4 पेन, सो दैट आई कैन मल्टीप्लाई 10 इंटू 4, दैट विल बी 40. अब मैं दूसरी जगह जा रही हूँ और मैं शूज़ बाय कर रही हूँ, 5 पेयर्स ऑफ शूज़ एट रुपीज़ 1000, 1000 रुपीज़ के 5 पेयर ऑफ शूज़ मैं बाई कर रही हूँ. तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी एक पेयर ऑफ शूज़ की प्राइस क्या है, दैट हाउ कैन आई गेट टू नो दैट वन पेयर ऑफ शूज़ इज़ हाउ मच ऑफ हाउ मच रुपीज़. आई विल डिवाइड 1000 बाई 5, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी वन पेयर ऑफ शूज़ जो है वो कितने रुपीज़ की है. सो दैट I will dividing 5 to the, that you know that is 10, 10 minus 10 is 0, ऊपर से 0 आएगा तो यहाँ पे भी 0 और अगेन I will have 0. So that I can know, मुझे पता चल जाएगा कि मेरी one pair of shoes जो है वो 200 rupees की है. वैसे ही multiplication and division वो दोनों related है. If I am taking 24 divide by 8, यू नो द टेबल्स आपको आते हैं, सो दैट यू कैन ईजीली आप बोल सकते हैं कि 8 3 दैट विल बी 24. डिविजन इज नथिंग बट रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. हाउ दैट वी विल सी. यहाँ पे हमें क्या मिला, क्वेश्चन जो है मुझे क्या मिली, दैट इज 3. ओके, एंड रिमाइंडर इज 0. You have learned already that यहाँ पर जो हमें मिलता है that is our quotient. यहाँ पर नीचे जो मुझे 0 मिला वो मेरी reminder होगी और यहाँ पर that is our divisor. Okay? Now we will see how can we say that division is nothing but repeated subtraction. Here मैं 24 में से 8 subtract करूँगी जब तक मुझे मेरी reminder जो है वो 0 नहीं मिल जा, मेरा आंसर है जब तक मुझे 0 नहीं मिलता तब तक मैं मेरा सब्ट्रैक्शन करूँगी. यह फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डूइंग 24 माइनस 8, दैट इज 16. ओके, नाउ अगेन आई एम डिवाइडिंग. ये मैंने फर्स्ट टाइम सब्ट्रैक्ट किया, नाउ अगेन आई एम सब्ट्रैक्टिंग 16 माइनस 8, दैट यू नो दैट इज 8. ये सेकेंड टाइम हुआ मेरा, एंड नाउ अगेन आई विल सब्ट्रैक्ट 8 माइनस 8, दैट इज 0. कितनी बार सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे 0 मिला यहाँ पे, दैट इज 3 टाइम्स मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया तब मुझे 0 मिला. हियर वी हैविंग क्वोशेंट एज 3, सो दैट वी कैन गेट टू नो दैट यहाँ पे भी मुझे 3 मिला एज क्वोशेंट, क्योंकि मैंने 3 टाइम्स सब्ट्रैक्शन किया तब मेरा आंसर मुझे 0 मिला. सो दैट वी कैन से दैट our division is nothing but repeated subtraction. We will see one example of division. Here I am taking 3 1 3 2 divide by 4. Here we can यहाँ पे हमारा जो number है वो 3 है, 3 जो है वो 4 से छोटा है, so I will start from 2 digits लेके मैं start करूँगी, that will be 4 4 7 28. Okay, now 11 माइनस 8 इज 3, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 माइनस 2 इज 0, यहाँ से क्या आएगा, दैट विल बी 33. नाउ 3 मैंने जो है वो नीचे ले लिया, दैट विल बी नाउ 33. नाउ 4 8 32, नाउ आई विल हैव 3 माइनस 2 इज 1, 3 माइनस 3 इज 0, ऊपर से क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी 2, 4 3 दैट इज 12. सो रिमाइंडर इज 0 एंड दैट इज क्वोशेंट इज 783.